तो कमलनाथ का साथ छोड़कर मिर्ची बाबा ने पकड़ ली है साइकिल। जी हाँ, मिर्ची बाबा पहुंच गए हैं समाजवादी पार्टी। तस्वीर आ गई है सामने अखिलेश यादव के साथ। पूरी खबर विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मिर्ची बाबा जो कमलनाथ सरकार में, जो 15 महीने की सरकार थी, उसमें कांग्रेस के करीबी रहे। इतना ही नहीं, कांग्रेस में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया। लेकिन अब मिर्ची बाबा जो हैं वो कमलनाथ का साथ छोड़कर, कांग्रेस का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मिर्ची बाबा की तस्वीर समाजवादी पार्टी नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर सामने आई है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ये भी बता दिया है कि अब मिर्ची बाबा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश के मिर्ची बाबा से शिष्टाचार भेंट और उनके मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए शुभकामनाएं। आपको बता दें कि मिर्ची बाबा लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। इससे पहले उनके ऊपर रेप के आरोप लगे थे, जिसके बाद वो काफी समय तक जेल में थे। जेल से रिहा होने के बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो शिवराज सरकार के ऊपर कई तरीके के आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिलहाल मिर्ची बाबा जो हैं वो माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ने वाले हैं, जिसके संकेत अखिलेश यादव ने दे दिए हैं। लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस का साथ छोड़कर साइकिल पर बैठे मिर्ची बाबा, यानी कि समाजवादी पार्टी में पहुंचे मिर्ची बाबा का राजनीतिक सफर आगे कैसा रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक सबसे पहले अपने दर्शकों तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।